एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर एक दिन नहीं रह सकते और तुम 6 महीने रह ली और अब कह रही हो कि मैं बच्चों को लेने आई। और अंजू के जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंजू के ही बच्चे नहीं है, उसे सिर्फ अंजू ने अकेले पैदा नहीं करा है अपने बच्चों को, अरविंद जो उसका हस्बैंड है उसका भी उस पे अधिकार है, वो एक भारतीय है और वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसी जितनी महिलाएं जाना चाह रही हैं पाकिस्तान, आप सहस्त्र जाइए और उधर ही रहिए, वापस आने आप भारत में आके अपने बच्चों को और उसको उसके भी लाइफ को कचरा करने के लिए पाकिस्तान लेके मत जाइए। लोग उसने देखना पसंद कर रहे थे उस वक्त, तो मीडिया क्या होती है ना, जब चीजें आपको पसंद है तो उस वक्त फेंकती है ढाई लाइन व्यूज के लिए। पहले बोल रही थी मैं घूमने गई हूँ, फिर वो नसरुल्लाह से शादी करती है और वो धर्म परिवर्तन भी कर लेती है, हिंदू से वो मुसलमान बन जाती है, और अब वो वापस भारत आई है और कह रही है कि मैं अपने बच्चों को लेने आई। अरे तुम किस बच्चों को लेने आई हो ये तो कहो ना, किस बच्चों को? तुम जब गई 6 महीने छोड़ के अपने बच्चों के बिना रह ली, एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर एक दिन नहीं रह सकते और तुम 6 महीने रह ली और अब कह रही हो कि मैं बच्चों को लेने आई हूँ। दूसरी बात, तुम्हारा जो बच्चा है वो कह रहा है कि मेरी माँ गलत है, मैं इसका सपोर्ट कर ही नहीं रही हूँ और मैं अपने माँ के साथ कभी नहीं जाऊंगी, मैं कभी उसका सपोर्ट नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं पसंद है। जब अंजू भागे गई तभी उसके बच्चे करते, उसके बच्चे कोई छोटे छोटे नहीं है, बड़े बच्चे मैच्योर है सारे, तो फिर किस तरह से आई? और जब मीडिया कर्मी उससे सवाल करते हैं अंजू से कि आप वापस कब जाएंगी, तो ये जो डेट है वो सीक्रेट रखी है, वो नहीं बता रही कि मैं कब जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो ये सारी चीजें जो गलत। तो आपको नहीं लगता कि 6 महीने में बच्चों का हृदय परिवर्तन हो गया होगा, माँ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया होगा और जो माँ है वो भी अब सोच रही होगी कि अपने बच्चों को वापस ले जाया जाए अपने साथ, तो देर आए दुरुस्त आए नहीं हो सकता क्या? अगर उसके जो अंजू ठीक है गई और शादी कर ली वहां नसरुल्लाह से, और अंजू के जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंजू के ही बच्चे नहीं है, उसे सिर्फ अंजू ने अकेले पैदा नहीं करा है अपने बच्चों को, अरविंद जो उसका हस्बैंड है उसका भी उस पे अधिकार है, वो एक भारतीय है और वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट ठीक ठाक सी बातें हैं कि अरविंद का ही साथ देगा, क्योंकि तुमने एक पाकिस्तानी आदमी से शादी किया वो भी फ्रेवी बन के, तुमने टूरिस्ट वीजा पे गई थी वो घूमने के लिए और शादी करके आ गई, तो ये सपोर्ट करने वाली बात ही नहीं। और रहा कि बच्चों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है मान लेते हैं माँ की प्रति बच्चों के अगर हृदय परिवर्तन हो भी गई, मिश करो माँ के साथ चली जाओ, तो बच्चों के हृदय परिवर्तन से हमारा देश नहीं चलता, हमारा देश चलता है कोर्ट से, संविधान से, शासन है, प्रशासन है, तो ये प्रशासन तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि उसके बच्चे अंजू के साथ जाएंगे और उसके पिता जो है लीगल पिता ओरिजिनल पिता अरविंद उसके साथ रहेंगे। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जब अंजू पाकिस्तान से भारत आई है तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है या भारत के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सोचना एक विचारधारा सही है? बेशक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जो रहती है ISI की एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी महिलाएं उसमें खूब रहती है और ये सारे काम करती हैं, क्या पता उसे हायर की गई हो इसी सब चीजों के लिए, हालांकि वो गई है पूरे प्रूफ लेके, ओरिजिनल वीजा पे वो गई थी पाकिस्तान, लेकिन उसे उसके माइंड को परिवर्तन किया गया हो पहले या अब जाने के बाद किया गया। ऐसी जितनी महिलाएं जाना चाह रही हैं पाकिस्तान, आप सहस्त्र जाइए और उधर ही रहिए, वापस आने आप भारत में आके अपने बच्चों को और उसको उसके भी लाइफ को कचरा करने के लिए पाकिस्तान लेके मत जाइए। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय परंपरा है, अंजू शादी कर चुकी थी पहले, उसकी एज अब वो अनमेच्योर वाली नहीं रही, 18, 19, 22 साल 21 साल की अंजू नहीं है, पति बच्चों को छोड़ के, अपने पति और बच्चों को छोड़ के गई और पति को भी धोखा दो, जाने से पहले तुमने नहीं बताया कि मैं नसरुल्लाह से जाके शादी करूंगी, अपने बच्चों को नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक नया बाप ढूंढने जा रहा हूं सतेला, ये बातें अंजू बता के नहीं गई। अंजू क्या बोल रही थी मीडिया में, मैं सिर्फ घूमने आई हूँ, पाकिस्तानी मीडिया मुझे बदनाम कर रही है, तुमने क्या करा? अरे तुम अपने धर्म पे तो तटस्थ रहती ना, रहती कि हाँ मैं हिंदू हूँ तुम्हें शादी करनी है कर लो, लेकिन मैं हिंदू हूँ सनातनी हूँ सनातनी रहूँ, तुमने क्या किया? सबसे पहले धर्म परिवर्तन, और जब तुम धर्म परिवर्तन नहीं करती अंजू, तो नसरुल्ला किसी कीमत पे उसी से शादी भी नहीं करता। अच्छा ये बताइए कि अभी अंजू वापस आ गई तो मीडिया का फोकस अंजू पर ज्यादा है, अंजू और नसरुल्ला पे ज्यादा है, जब भाग कर गई थी तो भी था, उसके पहले सीमा सचिन पर मीडिया की निगाहें टिकी हुई थी, तो क्या इन मुद्दों पर ज्यादा फोकस डालना, इन्हीं पर दिखाना ये सही है क्या? देश में और भी मुद्दे हैं जिन पर नजरें पड़नी चाहिए, जिनको सामने लाना चाहिए, अंजू सीमा इन सब को छोड़कर। आप देखिए जब बात कर रहे हैं मीडिया की, ये मुद्दा कोई अंजू पाकिस्तान चली जाती और सीमा हैदर भारत चली जाती, ये कोई छोटी मुद्दा नहीं है, है कि सीमा हैदर किस प्रोसेस से भारत आई और पाकिस्तान, ये अंजू
उसी टाइम एग्जैक्ट और क्या झूठ बोल के फरेबी करके पाकिस्तान गई। तो मीडिया तो सब तरह की खबर दिखाती है और दिखाना उसका कर्तव्य, कोई बात नहीं। थोड़ा अभी आधुनिकता है, व्यूज के लिए थोड़ी मिर्च मसाला लोग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरा कहना बस वही है कि क्या सिर्फ टीआरपी के लिए लोग प्रेजेंट कर रहे हैं या उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? लोग उसने देखना पसंद कर रहे थे उस वक्त। तो मीडिया क्या होती है ना, जब चीजें आपको पसंद हो तो उस वक्त फेंकती है ढाई ढाई व्यूज के लिए। तो उतर वे सारी चीजें चल रही थी, अब नहीं पसंद करेंगे तो नहीं देगी, कोई बात नहीं। क्या आप लगता है कि अंजू जब भारत वापस आई है तो उसका एक क्या मोटिव है आने का भारत? उसका मोटिव मैं कैसे बता सकती हूँ, वही एक्चुअल बताएगी। मुझे तो नहीं लगता कि जो बातें वो कैमरा पे बोल रही है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ, इसमें तो कोई सत्यता नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए आती तो बच्चों को छोड़कर वो जाती ही नहीं। तो क्या लगता है अगर अब अंजू माफी मांगती है तो उसे माफी मिलनी चाहिए, उसे स्वीकारा जाना चाहिए कि नहीं? अगर वो माफी मांगती और रहना चाहती है तो मुझे लगता है कि हमारा देश कोई यतीम खाना नहीं है। हम अभी जो लड़की जो हमारी है, हमारे जनरेशन को, उसको हम क्या सीख देंगे कि तुम जाओ पराई देश में शादी करो किसी अन्य धर्म के लड़कों से, वो जिस भी धर्म का हो, अपने संस्कृति सभ्यता को उछालो, चाकू के नोक में फेंक दो और फिर वो तुम्हें छोड़ दे रहा है, उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ 6 महीने रह ली, फिर वापस आ जाओ और तुम्हारा देश तुम्हें सहर्ष स्वीकार कर लेगा। अगर उसे स्वीकार किया जाता है तब तो यही हम जाएगी ना, संदेश जाएगी पब्लिक में। तो मुझे नहीं लगता है कि अंजू को स्वीकार मतलब करना चाहिए।